Lord is righteous in all his ways and holy in all his works. यहोवा अपनी सब गति में धर्मी, अपने सब कामों में करुणा में परमेश्वर है। धन्यवाद उसका, एक बार फिर से उसने हमको मौका दिया है कि हम उसकी आराधना कर सकें, उसके चरणों पे बैठ के उसके स्पर्श को अपने जीवन में लेने पाएं और उससे सीखने पाएं। आइए इस आराधना को शुरू करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद 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 प्रभु। आप अपनी सब गति में धर्मी परमेश्वर हैं और आप पवित्र परमेश्वर हैं। हम आपकी महिमा करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं और हम आपके नाम को बुलंदी पर उठाते हैं। धन्यवाद देते हैं खुदावन आपकी वफादारी के लिए जो कि हमारे जीवनों में हमेशा बनी रहती है। खुदावन आपके फजल के लिए, आपकी दया के लिए, आपकी कृपा के लिए खुदावन, जिसमें कि आप हमको ले करके चलते हैं। हम आपका धन्यवाद देते प्रभु। प्रभु ये हमारी फदारी नहीं है, ये हमारे अच्छे काम नहीं है जो कि हमारे जीवन में जो कि फल को लेकर के आ रहे हैं, पर ये आपका अनुग्रह है, ये आपकी दया है और ये आपकी कृपा है। हम आपकी महिमा करते हैं, धन्यवाद देते खुदा की। एक बार फिर से आपने हमको एक खूबसूरत मौका दिया है कि हम आपकी आराधना कर सके, स्तुति कर सके, प्रशंसा कर सके, प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु। आज की सुबह हर एक जन के लिए जो कि आपके भवन में या अपने घर में खुदावन जमा है आपकी आराधना करने के लिए, प्रभु हम चाहते कि तमाम और चीजें हमारे दिमाग से हटने पाए और हम आपके सम्मुख आपको इज्जत देते हुए हम आपके सम्मुख ठहरने पाए और दिल की गहराई से और आत्मा और सच्चाई से हम आपके नाम को बुलंदियों पर उठाने वाले होने पाए। पिता परमेश्वर आज की सुबह आप हमारी आराधना को ग्रहण करें प्रभु, हमारे जीवनों को छुए, हमारे परिवारों को छुए और आपका उद्धार का काम हमारे जीवनों में सिद्ध होने पाए। पिता परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार आप आगे क्यों लेके चलें, इस पूरी आराधना को आपके हाथ में सौंपते हैं। चाहते प्रभु हमारी सहायता करें आराधना में, प्रार्थना में, वचन में, गवाही में, जो कुछ भी हम करते हैं सब आपकी इच्छा के मुताबिक और आपकी आत्मा के कंट्रोल में होने पाए। प्रभु देखे संभाले अपनी भली भावनी इच्छा को पूरी करें, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन एंड आमेन। हालेलुया हालेलुया, कुछ गीत गाएंगे मेरे प्रभु, प्रभु की महिमा करेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया जीसस। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति
परमेश्वर के वचन से पढ़ने के निकालेंगे भजन संहिता 37, साम चैप्टर 37 और इसके 34 पद से हम देखेंगे। भजन संहिता 37, 34 पद से, यहोवा की बाट जोहता रहे और उसके मार्ग पर बना रहे और वो तुझे बढ़ा कर पृथ्वी का अधिकारी कर देगा। जब दुष्ट काट डाले जाएंगे तब तू देखेगा। मैंने दुष्ट को बड़ा पराक्रमी और ऐसा फैलता हुआ देखा जैसा कोई हरा पेड़ अपने निज भूमि में फैलता है, परंतु जब कोई उधर से आया तो देखा कि वो वहाँ है ही नहीं। और मैंने भी उसे ढूंढा परंतु कहीं ना पाया। खरे मनुष्य पर दृष्टि कर और धर्मी को देख, क्योंकि मेल से रहने वाले पुरुष का अंत फल अच्छा है, परंतु अपराधी एक साथ नष्ट किए जाएंगे। दुष्टों का अंत फल सर्वनाश है। धर्मियों की मुक्ति यहोवा की ओर से होती है। संकट के समय वो उनका दृढ़ गढ़ है। यहोवा उनकी सहायता करके उनको बचाता है और वो उनको दुष्टों से छुड़ाकर उनका उद्धार करता है, इसलिए कि उन्होंने उसमें शरण ली है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बार फिर से मेरे प्रिय भजन को देखेंगे ताकि उत्साहित हृदय के साथ में हम अपने प्रभु की आराधना करने पाए। वन मोर टाइम, यहोवा की बाट जोहता रहे और उसके मार्ग पर बना रहे। यहोवा की बाट जोता रहे और उसके मार्ग पर बना रहे। वेट ऑन द लॉर्ड, परमेश्वर की बाट आप जोते रहे। यू नो मेरे प्रियो, कई बार वेट करना बहुत कठिन होता है और बहुत खराब लग रहा होता है। हमें लग रहा था प्रभु जल्दी से आप उत्तर क्यों नहीं दे देते। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ परमेश्वर का धन्यवाद कि वो इंतजार को करने वाला परमेश्वर है। अपने न्याय को प्रकट करने में वो समय को लेता है प्रियो, क्योंकि कहीं वो जल्दी से कार्य करने वाला परमेश्वर होता तो जीवन में ढेर सारी बार हमने अपने ऊपर दंड को ले लिया होता। पर मेरे प्रियो, परमेश्वर आराम से धीमे धीमे हमारे साथ में चलते हैं, और वो इसलिए भी हमारे साथ में धीमे धीमे चलता है और थोड़ा समय लेता है, क्योंकि ना सिर्फ उस कार्य को कर रहा होता है जो कि हम चाहते हैं कि करे, पर उस कार्य को भी हमारे जीवन में कर रहा होता है जो कि जरूरी है। यहोवा की बाट जोता रहे और उसके मार्गों पर बना रहे और वो तुझे बढ़ाकर पृथ्वी का अधिकारी कर देगा जी। और वो तुझको बढ़ा के पृथ्वी का अधिकारी कर देगा। जब आप आज्ञाकारिता को सीखेंगे,
और जब आप उसके पीछे चलते रहेंगे, आपको समझ में नहीं भी आ रहा है, फिर भी आप उसके पीछे चलते रहेंगे, उसके मार्गों पर बने रहेंगे। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वो धर्मी परमेश्वर है और वो पवित्र परमेश्वर है। अपने सारे कार्यों में वो धर्मी परमेश्वर है और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वो आपको उठा करके अधिकारी के पद के ऊपर बैठा देगा, पृथ्वी का अधिकारी बना देगा। जी जब दुष्कार डाले जाएंगे, दुष्कार डाले जाएंगे, तब तू देखेगा। यस मेरे प्रभु, मैं आपसे कहना चाहता हूं जो कुछ प्रभु ने हमसे कहा है वो अपने हर एक वायदे को पूरा करने में सामर्थी परमेश्वर। एंड यस, वो दिन आएगा जब परमेश्वर सारी दुष्टता को हमारे बीच से खत्म करेंगे, अपनी धार्मिकता को वो प्रकट करेंगे। एंड देन सब कुछ खूबसूरत होगा, और ना सिर्फ सब कुछ खूबसूरत होगा पर हम अपनी आंखों से उसके उद्धार के कार्य को देखेंगे, अपनी आंखों से हम उस खूबसूरत को निहारेंगे। जी मैंने दुष्ट को बड़ा पराक्रमी जी और ऐसा फैलता हुआ देखा जैसा कोई हरा पेड़ जी अपने निज भूमि में फैलता है जी। परंतु जब कोई उधर से गया जी तो देखा कि वो वहाँ है ही नहीं। और मैंने भी उसे ढूंढा, मैंने भी उसको ढूंढा परंतु कहीं ना पाया। कई बार हम लोगों को देखते हैं वो अपनी दुष्टता में बढ़ते जा रहे हैं। जितना वो दुष्ट काम कर रहे हैं वे उतना ही ग्रो करते जाते हैं। मेरे प्रिय, आप जल्दबाजी मत करें। परमेश्वर कभी कुछ मिस नहीं करते, ही नेवर मिसेस अ थिंग। वो कुछ भी मिस नहीं करते, वो सारी चीजों को देख रहे हैं, आपकी वफादारी को भी देख रहे हैं और जन की दुष्टता को भी देख रहे हैं। अपने समय के ऊपर परमेश्वर न्याय को करते हैं, अपने समय के ऊपर परमेश्वर न्याय को करते हैं। एंड दुष्ट मिनटों में गायब हो जाता है और फिर जब हम ढूंढते हैं हमको कहीं वो दिखाई नहीं देता। परमेश्वर अपने समय पर न्याय करने वाले परमेश्वर है। जी खरे मनुष्य पर दृष्टि कर और धर्मी को देख जी, क्योंकि मेल से रहने वाले पुरुष का अंत फल अच्छा है। यू नो बाइबल इज अ ब्यूटीफुल बुक, जो वचन है ये बड़ा खूबसूरत हैगा और खूबसूरत बातों से भरा हुआ है। और वो कह रहा है खरे मनुष्य पर दृष्टि कर। यू नो कई बार लोगों को सिर्फ बुराई नजर आ रही होती है, और वो उसी के ऊपर मनन कर रहे होते हैं। मेरे प्रिय, बहुत आवश्यक है कि आप अच्छे लोगों से दोस्ती करें, उनकी संगति में रहें और उनकी ओर देखें। खरे मनुष्य पर दृष्टि कर और धर्मी को देख, और धर्मी के ऊपर आपकी निगाह रहने पाए। दुष्ट लोगों को मत देखें, आप धर्मी लोगों को देखें कि कैसे परमेश्वर की दया और अनुग्रह धर्मियों के साथ में रहती है, और कैसे परमेश्वर की वफादारी धर्मियों के जीवन में दिखाई देती है, और कैसे परमेश्वर के कार्य जो हैं वो धर्मी लोगों के जीवन में नजर आते हैं, और कैसे परमेश्वर धर्मी के साथ वफादारी के साथ में आगे की ओर चल रहे होते हैं। आप धर्मी को देखते रहें, क्योंकि मेल से रहने वाले पुरुष का अंत फल अच्छा है। मेल से रहने वाले पुरुष का अंत फल अच्छा। यू नो आपकी एक एक वफादारी परमेश्वर के पास में है, अपने समय पर वो उसको सिद्ध करेगा। ये ढेर सारे लोग हैं जो कि गलत कार्य को कर रहे होते हैं, पर हमारा कार्य ये नहीं है कि हम उनके कामों के अनुसार उनको बदला दें। बदला लेने का काम परमेश्वर का है। हम यहाँ पे इसलिए हैं कि अच्छे बीज ही को बोते जाएं। हमारे पास में बुरे बीज है नहीं, अच्छे ही बीज हैं और हम उन्हीं को बो करके चलते हैं। एंड यस, अंत में हमारा प्रतिफल जो है वो कहीं ज्यादा बड़ा होने जा रहा है। अंत में हमारा प्रतिफल जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ करके निकल करके आएगा। अभी आप चीजों को तुलना मत करें, अभी आप जज मत करें, अभी संसार को देख करके अपने आप को और उनको मत तौलें। दिन आने दीजिए जब न्याय होगा और हमारा प्रतिफल हमको मिलेगा। आप देखेंगे कि हम उनसे कहीं आगे हैं, जी। परंतु अपराधी एक साथ नष्ट किए जाएंगे। दुष्टों का अंत फल सर्वनाश है। बाइबल इज वेरी क्लियर, परमेश्वर का वचन बिल्कुल स्पष्टता के साथ में इस बात को बताता है कि दुष्ट के लिए दंड ही रखा है।
दुष्ट के लिए दंड ही रखा है, भले आज वो कितना आगे क्यों नहीं बढ़ जाए, भले आज उसका मान सम्मान कितना क्यों नहीं हो, भले आज बड़ी इज्जत हो, बड़े ढेर सारे लोग उसके सामने झुक करके उसको क्यों नहीं सलाम करें, परमेश्वर के वचन में स्पष्टता के साथ में, पूरी क्लैरिटी के साथ में ये लिखा हुआ है कि दुष्ट का अंत होगा और वो बुरा ही अंत होगा, उसका सर्वनाश होगा, उसका अंत फल जो है वो सर्वनाश होगा। जी धर्मियों की मुक्ति, धर्मियों की मुक्ति यहोवा की ओर से होती है। हालेलुया। संकट के समय वो उनका दृढ़ गढ़ है। धर्मियों की मुक्ति यहोवा की ओर से होती है। इट इज श्योर, पक्का है, गारंटेड है, क्योंकि परमेश्वर की तरफ से, ये मनुष्य का वायदा नहीं है, पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे, देंगे कि नहीं देंगे, कहा तो था, कह तो बड़े अच्छे से रहते, अब पता नहीं, मालूम नहीं, नहीं मेरे भैया, परमेश्वर ने कहा है और जो कुछ वो कहता है उसको पूरा करने में सामर्थ्य परमेश्वर है। धर्मियों की मुक्ति यहोवा की ओर से होती है। यू नो कई बार धर्मियों को मुक्ति इससे नहीं मिलती क्योंकि उनकी निगाहें और जगहों से होती है, उनको लोग से और स्थानों से जो है वो आशा लगी होती है, और इसलिए कई बार हमारी आशा जो है वो फेल हो जाती। पर यदि आपकी आशा सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर से लगी हुई है, मेरे भैया मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ऐसी कोई प्रार्थना नहीं है जो कि आप उसको पूरा होते हुए अपने जीवन में नहीं देखेंगे। अगर आपकी आशा सिर्फ परमेश्वर से लगी है, धर्मियों की मुक्ति यहोवा से होती, आप परमेश्वर की ओर देखें, आप संकट को मत देखें, आप दुखों को मत देखें, आप प्रॉब्लम के साइज को मत देखें, आप परमेश्वर को देखें और उसके फदारी को देखें। धर्मियों की मुक्ति परमेश्वर से होती है। जी संकट के समय वो उनका दृढ़ गढ़ है, वो हमारा दृढ़ गढ़ है। संकट के समय वो हमारा दृढ़ गढ़ है और दुष्ट के पास में कोई ऐसा तीर नहीं है जिसको छेद करके हमको आकर के लग जाए। दुष्ट के पास में कोई ऐसा तीर नहीं है। जी यहोवा उनकी सहायता करके उनको बचाता है। हालेलुया। वो दुष्टों से छुड़ाकर उनका उद्धार करता है। हालेलुया। इसलिए कि उन्होंने उसमें शरण ली। आमेन एंड आमेन। यहोवा उनकी सहायता करके उनको बचाता है। हमने तो यहोवा की सहायता को अपने जीवन में देखा है, हमने तो यहोवा की सहायता को अपने जीवन में एक नहीं हजारों बार देखा है। मेरे प्रियो, ये आपके पास में खूबसूरत मौका है कि अपने हाथ को बढ़ा करके आप परमेश्वर से वो सहायता ले लें जो कि वो आपको दे रहा है। हमने तो उसकी फदारी को अपने जीवनों में देखा है और हम तो उसको छोड़ने नहीं जा रहे। अब रहे हमारे और हमारे घराने की बात, तो हम तो यहोवा ही की आराधना करेंगे। अगर आपने अनुभव नहीं किया है, आ जाइए और उसकी सहायता को अपने जीवन में आप अनुभव करें। He is a good God, वो भला परमेश्वर है और वो भलाई से भरा हुआ परमेश्वर है। हालेलुया। हम उसकी आराधना करते हैं, हम उसकी स्तुति करते हैं और हम उसकी प्रशंसा करते हैं। ये मौका आपके पास में है कि आप हमारे साथ में ज्वाइन कर सकते हैं उसकी आराधना के लिए। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया। क्या ही मनोहर बात है प्रियो कि अपने परमेश्वर की हम आराधना कर सकते हैं। जो अवसर हमें मिला है हम उसका पूरा लाभ उठाने वाले लोग हैं और हम चाहते हैं आप मिलकर हमारे साथ में अपने जीवित पिता परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया। Jai Jai Nama Yeshu Nama।
यीशु नाम के जयकार हो प्रभु। केवल आपका नाम ही हमें सामर्थ और जीवन देता है। हालेलुया, यस लॉर्ड, हालेलुया प्रभु यीशु। केवल आपका नाम ही हमको जीवन लेके जाता है, जीवन की ओर लेके जाता है प्रभु। आप ही के नाम में हमें जीवन मिलता है यीशु। हालेलुया प्रभु, धन्यवाद यीशु, स्तुति हो प्रभु की। जाओ तो जाओ कहाँ, तू ही है सहारा मेरा, तू ही है आशा भरोसा मेरा, तेरे बिना मेरा जीना नहीं, तू ही है आशा भरोसा मेरा, तेरे बिना मेरा जीना नहीं। यीशु मसीह, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं, तेरी दया, तेरी करुणा, उसके बिना मेरा जीना नहीं।
स्तुति और महिमा के आपको हम आपकी आराधना करते हैं, हम आपके नाम को बुलंद पर उठाते हैं, क्योंकि आप ही योग्य हैं, क्योंकि आप ही योग्य हैं, क्योंकि आप ही योग्य हैं। हालेलुया, 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 we worship you, we worship you, we worship you, छुटकारा मिलता है। इसी समय में मन होके अपनी सारी बातों को
यीशु की अधीनता में ले आते हैं और हम चाहते हैं आप राज करें, यीशु आप राज करें हमारे जीवन के हर एक बात पर, हमारे परिवार पर, हमारे घरानों पर, हमारे शहर प्रदेश देश पर आप राज करें, क्योंकि आपका राज शांति लेकर आता है, आपका राज छुटकारा लेकर आता है, आपका राज शत्रु की तमाम चालों को फेल करके हमें बहुतायत के जीवन में लेके जाता है। इसलिए यीशु, जबकि आपका नाम हमें अधिकारी बनाता है, प्रभु हम इस नाम की अधीनता में आते हैं और चाहते हैं इसलिए पवित्र आत्मा उस यीशु मसीह के नाम की महिमा में हमें ले चले, उस अगुवाई में, उसके वचन में हमें ले चले, ताकि हम पहले जैसे ना रहे और पिता की वो सामर्थ्य इच्छा हमारे द्वारा पूरी होने पाए। इस प्रार्थना को हम यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन, 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 आमेन। हालेलुया। प्रियो, ये जो बाट जोने की जो जगह है, यहीं पर हम बनते और छटते हैं और कटते हैं और नए आकार को लेते हैं, गड़बड़ बातें निकलती हैं और वो सुंदर बातें आने पाती हैं, क्योंकि बाट जोना केवल इंतज़ार करना नहीं, केवल प्रतीक्षा करना नहीं, केवल उत्तर को ही निहारते रहना नहीं, पर बाट जोना, पर वेट करना, पर ठहरना, ये हमको बना देता है, ये हमको बदल देता है, क्योंकि वचन ऐसा कहता है, ये बात हमें पृथ्वी का अधिकारी बनाती है, ये बात हमें प्रतिज्ञाओं के उस फुलफिलमेंट तक पहुंचाती है, उस महिमा तक पहुंचाती है जिस उद्देश्य से वो भेजी गई थी। हालेलुया। तो मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगी प्रियो, इस वेट करने की जो समय है, जो ठहरने का, जो बाट जोने का समय है, इसको गले से लगा लें, क्योंकि यही आपको वो आकार देगा जिसके लिए पिता ने आपको बुलाया है। प्रभु आपको आशीष। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रभु, मैं आपसे कहना चाहता हूँ उसकी फदारी हमारे जीवनों में, हमारे परिवारों में बहुत कस के बोल रही है। हालेलुया। उस समय होगा कि हम परमेश्वर को अपना धन्यवाद देंगे और उसका दसवां अंश हम उसको देंगे। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। हमें पूरा पूरा मौका देने वाले परमेश्वर, कि हम अपने प्रेम को, अपनी आज्ञाकारिता को, अपने हृदय को अपने देने के द्वारा प्रकट करें, तो प्रभु हम इस पूरे अवसर का लाभ उठाना चाहते, जबकि आपने हमको मौका दिया कि हम प्रेम करके दिखाएं, आज्ञाकारी हो के दिखाएं, तो हर वो जन जो इस क्षेत्र में बढ़ के निकल कर आता है प्रभु, वो आपके ही तरीके से, आपके ही नपुए मेजर से आशीष भी पाने पाए, यीशु के नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। यू नो, आपको मालूम, वी शैल बी लाइक हिम, हम उसके समान हो जाएंगे। यदि आपकी आशा है और यह आपकी कोशिश है, आइए परमेश्वर के वचन की शिक्षा में चलेंगे और आशीष को पाएंगे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। योशू का 17वां अध्याय उसके 14 पद से 18 पद को देखेंगे। जोशुआ चैप्टर 17 वर्सेस 14-18। यूसुफ की संतान यहोशू से कहने लगी, हम तो गिनती में बहुत हैं, क्योंकि अब तक यहोवा हमें आशीष ही देता आया है, फिर तूने हमारे भाग के लिए चिट्ठी डालकर क्यों एक ही अंश दिया है। यहोशू ने उनसे कहा, यदि तुम गिनती में बहुत हो और एप्रेम का पहाड़ी देश तुम्हारे लिए छोटा हो, तो परिज्जियों और अपायों का देश जो जंगल है उसमें जाकर पेड़ों को काट डालो। यूसुफ की संतान ने कहा, वो पहाड़ी देश हमारे लिए छोटा है और बेतशान और उसके नगरों में रहने वाले और ये यिज्रेल की तराई में रहने वाले जितने कनानी नीचे के देश में रहते हैं, उन सबों के पास लोहे के रथ हैं। फिर यहोशू ने क्या एप्रेमी क्या मनश्शेई अर्थात यूसुफ के सारे घराने से कहा, हाँ तुम लोग तो गिनती में बहुत हो और तुम्हारी सामर्थ भी बड़ी है, इसलिए तुमको केवल एक ही भाग ना मिलेगा, पहाड़ी देश भी तुम्हारा हो जाएगा, क्योंकि वो
वो जंगल तो है परंतु उसके पेड़ काट डालो, तब उसके आसपास का देश भी तुम्हारा हो जाएगा, क्योंकि चाहे कनानी सामर्थी हो और उनके पास लोहे के रथ भी हो तो भी तुम उन्हें वहां से निकाल सकोगे। यूसुफ की संतान ने यहोशू से कहा, हम तो गिनती में बहुत हैं, क्योंकि अब तक यहोवा हमें आशीष ही देता आया है, क्योंकि अब तक यहोवा हमें आशीष ही देता आया है। हम तो गिनती में बहुत ढेर सारे यूसुफ की संतान जो है वो यहोशू से आके कह रही है, तुम हमको एक भाग क्यों दे रहे हो, हमारे लिए ये भाग तो छोटा है, क्योंकि हम तो गिनती में बहुत ढेर सारे और हमारा परमेश्वर हमको अभी तक के आशीष देता आया। यू नो आई थॉट दैट द स्टोरी ऑफ जोसेफ इज लॉन्ग ओवर, मुझे तो लग रहा था कि यूसुफ की कहानी को खत्म हुए हुए बहुत लंबे साल बीत गए, बट यू नो आ गॉड इज एन अमेजिंग गॉड, हमारा परमेश्वर जो है वो अद्भुत और हैरान करने वाला परमेश्वर है, इतनी भलाई से भरा हुआ परमेश्वर, उसकी भलाई यू नो कई बार हमको हैरान करती है। 400 साल से ज्यादा का समय बीत गया है जब यूसुफ की कहानी खत्म हो चुकी है, उसके बावजूद भी अभी तक के यूसुफ की वफादारी की आशीष ये लोग प्राप्त कर रहे हैं, यू नो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है मत्तियुस का 13वां अध्याय और उसके 44 पद में कुछ यूं लिखा हुआ है कि स्वर्ग का राज्य है खेत में छिपे हुए धन के समान है जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया हमारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। स्वर्ग का राज कैसा है, खेत में छुपे हुए धन के समान, खेत में छुपे हुए खजाने के समान है। एक जन वहां से गुजरा, उसने उस चीजों को देखा और उसको छुपा दिया और बड़े आनंद के साथ में जा करके अपने सब कुछ को बेच करके आता है और उस खेत को खरीद लेता है। यू नो कई बार क्या होता है जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते ऑन द सर्फेस, सामने से तो वो हमको बिल्कुल एक आम सा अध्याय नजर आ रहा होता है, पर जब हम गहराइयों में जाते हैं, as you go deeper, जैसे जैसे आप नीचे जाते जाते, जैसे जैसे आप गहराइयों में जाते जाते, you find treasure there, आपको वहां पे खजाना मिलता है। जब नॉर्मली वचन को पढ़ ले होते हैं एक एंड से दूसरे एंड तक, हमको तो एक नॉर्मल सी कहानी लग रही होती, पर जब आप गहराइयों में जाते हैं, पर जब आप गहराइयों में जाते हैं, जब आप मनन करते हैं, जब आप परमेश्वर के सम्मुख ठहरते हैं, जब आपका जीवन परमेश्वर के निकटता में होता है, प्रभु खूबसूरत बातों को वहां से सामने लेकर के आ रहे होते हैं और आपका मन जो है वो आनंद के साथ में भर जाता है। यू नो मेरे प्रियो, परमेश्वर के साथ में यदि आप चाहते हैं कि आपकी चाल खूबसूरत होने पाए, परमेश्वर के साथ में यदि आप चाहते हैं कि आपका सफर जो है वो आनंद का होने पाए, बहुत आवश्यक है कि आप परमेश्वर को समझें, उसके स्वभाव को समझें, उसके कार्य करने के तरीके को समझें, समझें कि परमेश्वर किस तरीके से हमको लेकर के चलते हैं। यू नो परमेश्वर की बातें कैसी होती हैं, परमेश्वर की बातें ऐसे नहीं होती जैसे कि एक एक्सपर्ट मार्केटिंग का जो जन होता है वो अपनी नए आपसी चीज़ों को वो शो केस में लगा करके सामने से दिखाता है और दूर से भी चलते हुए आपको नए आप चीज़ें नजर आ जाती हैं। वो एक एक्सपर्ट मार्केटर की तरीके से नहीं है जो कि अपनी एक्सपर्टीज को वो शो केस करता है। परमेश्वर की बातें छिपी हुई बातें होती हैं, परमेश्वर की बातें छुपी बातें होती, हर एक जन के लिए नहीं होती, आम लोगों के लिए सिर्फ एक नॉर्मल सी कहानी सी होती, पर एज यू गो डीपर, जब आप गहराइयों में जाते आप उसको प्राप्त करते, उसको वो लोग प्राप्त करते जो कि उसको खोजते हैं, जो कि उसको ढूंढते हैं। जब हम उसको अपने पूरे दिल से ढूंढते, कौन उसको पाता है, जो उसको ढूंढता है,
जो उसको ढूंढता है। जब आप परमेश्वर के पास में आएंगे, जब आप परमेश्वर के खोजी होंगे, खूबसूरत बातें आपके सामने निकल करके आने पाएंगी और आप हैरान होने पाएंगे, आप हैरान होने पाएंगे। यू नो मेरे प्रभु, मैं हैरान होता हूँ कैसे लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ना एंजॉय क्यों नहीं करते। क्यों हमें लोगों से कहना पड़ता है कि आप परमेश्वर के वचन को पढ़ें, क्योंकि उनको वहां पे गहरी बातें दिखाई नहीं देती, वो नॉर्मल सी कहानी के रूप में उसको पढ़ जाते हैं। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं मेरे प्रभु, परमेश्वर के वचन के आप खोजी हो गहराओं में उतरे, एंड यू विल फाइंड ब्यूटिफुल थिंग्स देयर, और आपको वहां पे खूबसूरत सी बातें नजर आएंगी। मुझे तो लग रहा था कि यूसुफ की कहानी पहले खत्म हो गई है, बहुत पहले खत्म हो गई, 400 साल पहले खत्म हो गई है, और यूसुफ को परमेश्वर ने अपने जीवन काल में बहुत अच्छे से आशीष दे दी। यू नो परमेश्वर ने यूसुफ को बहुत अच्छे से ब्लेस किया। जब वो अपने परिवार के साथ में रहा करता था, वो अपने पिता का प्रिय बेटा था, पर मैं उसके पिता जो था वो उससे सबसे ज्यादा प्रेम करता था। उसके बाद में 13 साल जो है वो उसके गुलामी में और जेल में बीतते हैं, पर उसकी वफादारी के आशीष परमेश्वर उसको देते हैं। 30 साल की उम्र में यूसुफ जो है वो मिस्र देश का प्रधानमंत्री बन जाता है। 30 साल की उम्र में परमेश्वर ने उसको बहुत ज्यादा आशीष दी और वो यूसुफ जो है वो मिस्र देश का प्रधानमंत्री बन जाता है। कुछ ही दिनों में यूसुफ कुछ यूं कहता है, प्रभु आपने मेरे सारे दुखों को भुला दिया। परमेश्वर ने उसको ट्रिमेंडसली ब्लेस किया, बहुत जबरदस्त तरीके से आशीष दी, एंड ही वेंट ऑन टू लिव 110, वो 110 साल की उम्र तक के रहने पा, 80 लंबे साल उसके आनंद के साथ में, शांति के साथ में, महिमा के साथ में, परमेश्वर की महिमा के साथ में बीतने पाए, इज्जत के साथ में बीतने पाए। मुझे तो लग रहा था कि परमेश्वर ने यूसुफ को उसकी वफादारी की आशीषें बहुत अच्छे से दे दी, बहुत अच्छे से दे दी। पर मेरे प्रभु, मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर अभी आपके साथ में खत्म नहीं हुए। ही इज नॉट डन विद जोसेफ यट, वो यूसुफ के साथ में अभी उसका कार्य खत्म नहीं हो गया, वो अभी भी उसकी संतान को आशीष में आशीष देता आ रहा है। और इस समय यहोशू के पास में, 400 साल के बाद में यहोशू के पास में यूसुफ की संतानें जो वो आके कह रही है, हम तो गिनती में बहुत ढेर सारे हैं, तुम हमको एक भाग क्यों दे रहे हो, हम तो गिनती में बहुत ढेर सारे, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमको अब तक के आशीष देता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमको अब तक के आशीष पे आशीष देता आया। 400 years down the line still getting blessed, 400 साल बीत गए हैं यूसुफ की वफादारी के, अभी भी वफादारी की आशीष जो है वो काट रहे हैं, अभी भी उसका परिवार जो उसकी वफादारी की आशीष काट रहा है। दिस इज सो ब्यूटिफुल, ये कितना खूबसूरत है। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं मेरे प्रभु, परमेश्वर को जाने, उसकी बातों को जाने, हैरान करने वाला परमेश्वर है, अद्भुत परमेश्वर। यू नो मैं हैरान होता हूं कैसे लोग परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते, क्यों उनको मजा नहीं आता, क्यों उनको आनंद नहीं आता। इट ही सच अ गुड गॉड, वो तो कितना अच्छा परमेश्वर है। सिर्फ आपके जीवन में ही वो आपकी वफादारी की आशीष नहीं देता, पर आपकी वफादारी की आशीष जो है वो आने वाली जनरेशंस में और उसके आगे और उसके आगे और उसके आगे तक के जाती है, उसके आगे तक के जाती। 400 साल के बावजूद भी, 1000 साल के बावजूद भी उसकी आशीषें जो है वो बनी रहती। आपके आने वाली पुश्ते जो वो कुछ उन आशीषों को एंजॉय करेंगी, उनको पता नहीं होगा कि ये आशीषें कहां से आ रही है। आपकी वफादारी की आशीष जो वो आपके बच्चों को और उनके बच्चों को और उनके बच्चों को मिलने जा रही है। यू नो कई बार लोग आके कहते हैं हमको समझ में नहीं आ रहा है, और मैं हैरान होता हूं कैसे वो परमेश्वर को समझ नहीं पाते, कैसे परमेश्वर की बातें उनके समझ में नहीं आती, कैसे वो परमेश्वर के वचन को पढ़ने में आनंद को प्राप्त नहीं करते, क्यों कर उनको परमेश्वर के साथ में वफादारी के साथ में चलने में उनको दिक्कत होती है, क्यों वो परमेश्वर के साथ में समय नहीं बिता पाते, क्यों वो परमेश्वर को धान दशवंश के साथ में महिमा नहीं दे पाते। यू नो आई एम अमेज, मैं हैरान होता हूं क्यों वो परमेश्वर को समझ नहीं पाते। ही इज सच ए गुड गॉड, वो तो इतना भला परमेश्वर है। आप परमेश्वर के
वचन की गहराई में जाएं और आप जाने और आप उसको समझे। ऊपर से तो आपको एक नॉर्मल सा खेत नजर आएगा, पर जब आप गहराओं में जाएंगे यू विल फाइंड ट्रेजर देयर, आप वहां पे खजाने को प्राप्त करेंगे, आप वहां पे खजाने को प्राप्त करेंगे और आप इतने आनंद से भर जाएंगे कि अपना सब कुछ को बेच करके आप उस खेत को जा करके ले लेंगे। स्वर्ग का राज उस जन के समान है जिसने की खेत में छुपे हुए धन को प्राप्त किया, बड़े आनंद के साथ में सब कुछ को बेच करके उसको ले लिया। हालेलुया। आप मेरे साथ में देखें एक पद को, देखें दूसरा इतिहास उसका 21वां अध्याय उसके 5-7 को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? जब यहोराम राजा हुआ जी, तब वो 32 वर्ष का था। वो 32 वर्ष का था और 8 वर्ष तक जी यरूशलेम में राज करता रहा। वो इसराइल के राजाओं की सी चाल चला जी, जैसे अहाब का घराना चलता था जी, क्योंकि उसकी पत्नी अहाब की बेटी थी जी। वो उस काम को करता था जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। यहोवा की दृष्टि में बुरा है, बुरा है। तो भी यहोवा ने दाऊद के घराने को नष्ट करना नहीं चाह। उसने वो काम को किया। बहुत साल के बाद, कई सौ साल बीत गए हैं और अभी यहोराम जो है वो राजा है और वो काम कर रहा है जो कि परमेश्वर की दृष्टि में गलत है। दाऊद के बाद में ढेर सारे उसके परिवार के लोग जो सिंहासन पे बैठे, उन्होंने उन कामों को किया जो कि परमेश्वर की दृष्टि में घृणित थे, परमेश्वर की दृष्टि में, परमेश्वर की नजर में वो बुरे काम थे। दे डिड ईविल इन द साइट ऑफ द लॉर्ड। लेकिन उन तमाम चीजों के बावजूद यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, परमेश्वर ने उनको घराने को जी नष्ट करना ना चाहा। वो उस वाचा के कारण था, वाचा के कारण था जो उसने दाऊद से बांधी थी। उस वचन के अनुसार था जो उसने उसको दिया था कि मैं ऐसा करूंगा कि तेरा और तेरे वंश का दीपक कभी ना बुझेगा। जो वायदा उसने अपने वफादार दास दाऊद से किया था, परमेश्वर को याद है और दाऊद की संतान है, जबकि उस काम को भी कर रही है जो कि गलत है, जो कि गंभीर है। उन तमाम चीजों के बावजूद परमेश्वर की पेशेंस जो है वो दाऊद के घराने के ऊपर रहने पाई। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने दाऊद से वादा किया था, क्योंकि परमेश्वर ने दाऊद से वादा किया था। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, ना सिर्फ अपने सफर में, अपने जीवन के सफर में हम परमेश्वर की भरपूरी को अपने जीवन में एंजॉय करते हैं जैसे यूसुफ ने एंजॉय किया जब उसने पूरे मन से, पूरे हृदय से वो परमेश्वर के पीछे चला। ना सिर्फ परमेश्वर ने यूसुफ को उसके जीवन काल में ब्लेस किया, पर उसकी वफादारी की आशीष उसके जनरेशन के ऊपर हमेशा बनी रही और हमेशा उसकी वफादारी की आशीष वो काटते रहे। दाऊद के जनरेशन, दाऊद के पुस्तक लोग, दाऊद के जो परिवार के लोग थे, घराने के लोग थे, दाऊद की वजह से वो उन आशीषों के ऊपर आशीष को प्राप्त करते रहे। कई सौ साल तक के परमेश्वर की दया और अनुग्रह दाऊद के घराने के ऊपर। He is such a good God। वो इतना भला परमेश्वर है। एंड फिर भी कई बार हम कहते हैं हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। हम नहीं समझ पा रहे हैं चीजों को। कैसे समझ नहीं पा रहे हैं? आप परमेश्वर के वचन की गहराई में जाएं और आप देखें कि वो कितना अच्छा परमेश्वर है। अब्राहम से जो उसने वायदे किए परमेश्वर उनको भूल नहीं गया। जो इसहाक से उसने वायदे किए परमेश्वर उनको भूल नहीं गया। जो याकूब से उसने वायदे किए वो भूल नहीं गया। जो यूसुफ से वायदा किया, जो मूसा से वायदा किया, जो दाऊद से वायदा किया, परमेश्वर उनको भूल नहीं गए। पर परमेश्वर ने एक एक वायदे को लोगों के जीवनों में सिद्ध किया और पूरा किया। He is such a good God। अब्राहम के परिवार जो वो अभी तक के अब्राहम की आशीषों को काट रहे, इतने हजार साल बीत गए अभी भी वो अब्राहम की आशीषों को वो काट रहे। He is such a good God। मेरे प्रियो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप कौन से ऐसे इन्वेस्टमेंट को जानते हैं जो कि 400 साल के बाद में भी आपको जो है वो रिवॉर्ड देगा? आप ऐसे कौन से इन्वेस्टमेंट को जानते हैं, कैसे निवेश को आप जानते हैं जो कि 500 साल के बाद में और 1000 साल के बाद में भी वो आशीष पे आशीष देता चला जाएगा?
कोई ऐसा निवेश है आपके पास में, आपके जाने के बाद बावजूद भी आपके संतान को 500 साल तक के, 1000 साल तक के वो आशीष दे सके? मेरा प्रियो, परमेश्वर भला परमेश्वर है, परमेश्वर भला परमेश्वर। यू नो, ढेर सारे लोग जो हैं वो संसार में वो और चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं। एक बड़ी भीड़ जो है वो पैसे के पीछे भाग रही है। कैसे हम ढेर सारे पैसे को इकट्ठा कर लें, कैसे हम ढेर सारे पैसे को इकट्ठा कर लें? पूरा संसार जो बस पैसे के पीछे भाग रहा है। पैसा हमारे पास में होगा तो हम बहुत आशीषित हो जाएंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पैसे के पीछे नहीं, परमेश्वर की आशीषों के पीछे जाइए। पैसे के पीछे नहीं, परमेश्वर की आशीष के पीछे जाइए। उस जन को महिमा मत दें जो बहुत पैसे वाला है, उस जन को आप महिमा दें जो कि अभिषेक के साथ में, जिसके जीवन में आपको परमेश्वर की आशीष नजर आती है। वो जन है जिससे आप दोस्ती करें, पैसे वाले से नहीं, उस जन से दोस्ती करें जो कि परमेश्वर के द्वारा आशीष जन है। आप मेरे साथ में एक पद को देखें, सबब देशक उसका दूसरा अध्याय उसके 22वें पद से देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। मनुष्य तो धरती पर मन लगा लगा कर परिश्रम करता है। मनुष्य तो धरती पर मन लगा लगा कर परिश्रम करता है। परमेश्वर बहुत अच्छे से जानते हैं, परमेश्वर को बहुत अच्छे से जानते हैं और वचन सारी बातों को बहुत क्लैरिटी के साथ में लिखता है। यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि मनुष्य तो धरती पर मन लगा लगा कर परिश्रम करता है। उससे उसको क्या लाभ होता है? बहुत परिश्रम किया, जीवन भर बहुत परिश्रम किया अपने कार्य के क्षेत्र में, अपने एजुकेशन के क्षेत्र में, अपने बिजनेस के क्षेत्र में, परिवारों के साथ में, रिश्तेदारों के साथ में, लोगों के साथ में बहुत परिश्रम हमने किया, क्या फायदा? जी आगे, उसके सब दिन तो दुखों से भरे रहते हैं और उसका काम खेत के साथ होता है, दुख के साथ में होता है। रात को भी उसका मन चैन नहीं पाता, सारे काम इतनी मेहनत करने के बाद, सुबह से शाम तक के मेहनत करने के बाद में क्या हम सुखी हैं? क्या हम खुश हैं? क्या हमारे हृदय आनंद से भरा हुआ है? क्या बड़ी चैन की नींद हम सो पाते हैं? उसके बावजूद भी दुखी हैं, उसके बावजूद भी संघर्ष में, ढेर सारी फिजिकल मेहनत के द्वारा, संसारिक मेहनतों के द्वारा जो हम करते हैं, उसके बावजूद भी दुख हमारे जीवन में। और जब रात में बिस्तर पर सोते हैं तो चैन की नींद नहीं है। जी ये भी व्यर्थ ही है, ये भी व्यर्थ ही है। मनुष्य के लिए खाने पीने और परिश्रम करते हुए अपने जीव को सुखी रखने के सिवाय और कुछ भी अच्छा नहीं, कुछ भी अच्छा नहीं। मैंने देखा कि ये भी परमेश्वर की ओर से मिलता है, परमेश्वर की ओर से मिलता है। मनुष्य के लिए क्या बेहतर कि अच्छे से खाए पिए और चैन से अपने जीवन को बिताए, पर मैंने देखा कि ये भी परमेश्वर की ओर से मिलता है। परिश्रम तो सुबह से शाम तक के कर रहे, बहुत मेहनत कर रहे अपनी चीजों को ठीक करने के लिए, पर ठीक नहीं हो रही है। हम चैन से खाने पाए और आनंद के साथ में रहने पाए, ये परमेश्वर की आशीष है। हम चैन से रहने पाए, आनंद के साथ में खाने पाए, ये परमेश्वर की तरफ ही से होता है। जी आगे क्या लिखा हुआ है? जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है, मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है, उसको वो बुद्धि और ज्ञान और आनंद देता है। जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है, जो प्रभु की आज्ञाओं को मान के चल रहा, प्रभु क्या कहते हैं, उसको बुद्धि देते हैं, उसको समझ देते हैं और उसको आनंद देते हैं। जी परंतु पापी को वो दुख भरा काम ही देता है कि वो उसको देने के लिए संचय करके ढेर लगाए जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा हो। ये भी व्यर्थ और वायु को पकड़ना है। पापी को क्या काम दिया गया है? संचय करके इकट्ठा करते रहो। पापी को क्या काम दिया गया है? संचय करके बस ढेर सारा इकट्ठा करते रहो। ये काम जो है वो पापी को दिया गया है। पर वो जीवन जो कि प्रभु को भाता है, वो लोग जो कि प्रभु को भाते हैं, प्रभु उनको क्या देते हैं? बुद्धि
और समझ और ढेर सारा आनंद देते, और ढेर सारा आनंद देते। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देता हूँ मेरे प्रभु कि परमेश्वर ने मुझे अच्छे परिवार से ब्लेस किया है और अच्छी कलीसिया से ब्लेस किया। ही हैज ब्लेस्ड मी विद अ गुड फैमिली एंड अ ब्यूटीफुल चर्च। अच्छे लोगों से उसने मुझको सराउंड किया है। हम आनंद के साथ में रहते हैं और हम खुशियां मनाते हैं और हम प्रभु में आनंद देते हैं, बहुत अच्छे से अपने जीवन को बिता रहे। प्रभु ने बुद्धि दी है, प्रभु ने समझ दिया है और प्रभु ने आनंद दिया, खूबसूरत सा परिवार दिया है, एक अच्छी सी कलीसिया दी है जो कि प्रेम करती हैगी और प्रभु की महिमा करती है। हालेलुया। यू नो, जिस जो जीवन प्रभु को भाता है, प्रभु उसको बुद्धि देते हैं, उसको समझ देते हैं और उसको आनंद देते हैं। कई बार हम पैसे के पीछे भाग रहते हैं, कई बार हम पैसे के पीछे भाग रहते हैं। मनुष्य के लिए जरूरी है कि वह चैन से खाए और आनंद के साथ में रहने पाए और ये आशीष उसको परमेश्वर ही से मिलती है, ये आशीष उसको परमेश्वर ही से मिलती है। कई बार हम सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे होते हैं। फिर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर की आशीषों के पीछे भागिए, परमेश्वर की आशीषों के पीछे भागिए, पैसे के पीछे नहीं। प्रभु को खुश करें, उसकी आज्ञाओं को माने, उसके पीछे चले। ना सिर्फ आप इस जीवन में आनंदित होने जा रहे हैं, ना सिर्फ आप इस जीवन में आनंदित होने जा रहे हैं, पर मेरे प्रियो आपके जीवन के बाद में आपकी जनरेशन जो है वो आशीष को प्राप्त करने जा रही है। आपकी जनरेशन जो, आपकी आने वाली पुश्ते जो है वो आशीष को प्राप्त करने जा रही है। यूसुफ की संतान जो है वो आके कह रही है 500 years down the line we are still getting blessed। 400 साल बीत गए पर अभी भी हम प्रतिदिन यूसुफ की वजह से आशीष को प्राप्त कर रहे हैं, यूसुफ की वजह से आशीष को प्राप्त करें। एक और महत्वपूर्ण बात यहां पे है मेरे प्रियो, जो जिसका ध्यान, जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान लेकर के जाना चाहता हूं, वो ये कि परमेश्वर सबको बराबर से आशीष नहीं देते। परमेश्वर सबको बराबर से आशीष नहीं देते। इसराइल जो है वो आशीष को प्राप्त कर रहा है, पूरा इसराइल जो है वो आशीष को प्राप्त कर रहा है। कनान देश में पहुंच गए हैं और ये बहुत बड़ा झुंड हो गए हैं, 20 लाख लोगों से ज्यादा ये लोग हो गए हैं, कनान देश के अधिकारी हो गए। जितने वायदे परमेश्वर ने अब्राहम से किए थे, इसहाक से किए थे, याकूब से किए थे, मूसा से किए थे, तमाम इसराइल से किए थे, प्रभु ने तमाम वायदों को उनके जीवन में पूरा कर दिया है। परमेश्वर की आशीष जो इसराइल के ऊपर है, हर एक जाति के ऊपर है, इसराइल के घराने के ऊपर परमेश्वर की आशीष है। लेकिन यूसुफ का घराना, लेकिन यूसुफ का घराना वो कुछ ज्यादा आशीष को प्राप्त। Every family is getting blessed, हर एक परिवार आशीष को प्राप्त कर रहा है, पर यूसुफ के परिवार के ऊपर, यूसुफ के घराने के ऊपर परमेश्वर की कुछ विशेष आशीष है, परमेश्वर की कुछ विशेष आशीष है। और यूसुफ की संतान जो है वो आकर के यहोशू से कह रही है, हम तो गिनती में बहुत ढेर सारे हैं और जो देश तुमने हमको दिया है, जो जगह तुमने हमको दी है, वो तो बहुत थोड़ी सी, हमको और चाहिए, हम तो बहुत ढेर सारे और हमारा परमेश्वर हमको अब तक के आशीष देता आया। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रभु, सबको बराबर से आशीष नहीं मिलती, सबको बराबर से आशीष नहीं मिलती। वचन में लिखा हुआ है जो कम बोता है वो कम काटता है और जो ज्यादा बोता है वो ज्यादा काटता है, वो ज्यादा काटता है। क्या आप उन लोगों की भीड़ में होना चाहते हैं जो ज्यादा काटते हैं? क्या आप उन लोगों की भीड़ में होना चाहते हैं जो ज्यादा काटते हैं? मेरे प्रियो, मैं उन लोगों से बात करना चाहता हूं जो अपने जीवन में ज्यादा काटने की इच्छा रखते हैं। और ये संदेश उन लोगों के लिए जो कि अपने जीवन में बड़े प्रतिफल को देखना चाहते हैं। यस मेरे प्रियो, एक दिन हम स्वर्ग जाएंगे और हम जब स्वर्ग जाएंगे, हम में से हर एक जन जो है वो आशीष को प्राप्त करेगा, पर कुछ लोग जो है वो बड़े प्रतिफल को रिसीव करने जा रहे हैं, कुछ लोग जो है वो बड़े प्रतिफल को रिसीव करने जा रहे हैं। परमेश्वर के में लिखा हुआ है, जिसने 5 तोड़े कमाए उसको 5 शहरों का अधिकारी बनाया गया और जिसने 10 तोड़े कमाए थे उसको 10 शहरों का अधिकारी बनाया गया। यस, हम सब स्वर्ग जाएंगे जो प्रभु के पीछे चलते हैं। यस, वी विल ऑल गो टू हेवन और हम वहां पे जाके आशीष को प्राप्त करेंगे, पर कुछ लोग जो हैं वो बड़े प्रतिफल को रिसीव करने जा रहे हैं, कुछ लोग जो हैं वो बड़े प्रतिफल को रिसीव करने जा रहे हैं। जो कम बोता है
वो कम काटता है और जो ज्यादा बोता है वो ज्यादा काटता है। प्रभु यीशु मसीह जब संसार में थे वो पूरे संसार से प्रेम करते थे, पर वो इसराइल से ज्यादा प्रेम करते थे। इसराइल में रहे और पूरे इसराइल में वो कुछ लोगों से ज्यादा प्रेम किया। 72 चेले थे प्रभु यीशु मसीह के, और 72 चेलों के बाद में उसके पास में 12 विशेष चेले थे, और 12 में से 6 थे, फिर 3 था, फिर 1 था जिससे वो सबसे ज्यादा प्रेम करते थे। जब प्रभु यीशु मसीह का रूपांतर हुआ वो पूरी भीड़ को जो थे उस पर्वत के ऊपर लेकर के नहीं गए, सिर्फ 3 चेलों के साथ में प्रभु वहां पे लेके जाते हैं, 3 लोगों को लेकर के जाते हैं। हर एक जन को बराबर से आशीष मिलने नहीं जा रही। क्या आप वो जन हैं जो कि अपने जीवन में ज्यादा चाहते हैं? क्या आप वो जन हैं जो कि अपने जीवन में ज्यादा चाहते हैं? अगर आप वो जन हैं, ये संदेश आपके लिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर एक भला परमेश्वर है और उसकी भलाई कभी खत्म नहीं होती, उसकी भलाई कभी खत्म नहीं होती। जो वफादारी आपकी परमेश्वर के साथ में है, परमेश्वर उसको प्रतिदिन देख रहे हैं। एवरी डे ही इज वॉचिंग यू, प्रतिदिन वो आपको देख रहा है। और आपकी वफादारी की आशीष जो है ना सिर्फ आप अपने जीवन में काटने जा रहे हैं, परमेश्वर मैं आपसे कहना चाहता हूं आपके फुदारी की आशीष अपने जीवन के बाद काटेंगे, और आपके जाने के बाद में अगर प्रभु इंतजार किए आपकी आने वाली जनरेशन, आपकी आने वाली पुश्ते जो आपकी फुदारी की आशीष को काटने जा रही, दे विल गेट ब्लेस, वो आशीषित होंगे, और वो इस बात से आशीषित होंगे क्योंकि आप वफादार रहे, क्योंकि आप वफादार रहे 400 साल के बाद में भी, 500 साल के बाद में भी, 1000 साल के बाद में भी, परमेश्वर की वफादारी उसके लोगों के ऊपर, उसके घराने के ऊपर बनी रहती। कौन सा ऐसा इन्वेस्टमेंट है मेरे प्रियो जो कि 400 साल के बाद में भी आपको बेनिफिट्स देकर जाएगा, आपको फायदा देकर जाएगा? परमेश्वर के पीछे आप वफादारी के साथ में चलें, उसके करीब आए, उसके नजदीक आए, उसको ढूंढें, उसको जानें। सबके लिए अवेलेबल नहीं है, उन लोगों के लिए उपलब्ध है जो कि उसको ढूंढते हैं, जो कि उसको खोजते हैं। और जो उसको ढूंढेगा, जो उसको खोजेगा, जो उसको पूरे हृदय से खोजेगा, वही उसको प्राप्त करेगा और वही उसमें आनंद को मनाने जा रहा है। प्रभु आपको आशीष दें। अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु आप महान परमेश्वर हैं और आपकी भलाई जो है वो कभी खत्म नहीं होती। प्रभु आपका वचन हमको हैरान करता है, इतने साल आपके साथ में चलने के बावजूद भी अभी भी जब आपके वचन को पढ़ते प्रभु अद्भुत बातें, नई बातें सामने आती हैं। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते और हम चाहते प्रभु कि आपकी वचन की सच्चाई जो वो लोगों के जीवनों में आने पाए, हर एक जन जो खुदा वो आपकी बातों का खोजी होने पाए और गहराओं में जाने पाए और होने पाए प्रभु, प्रत्येक जन उस खजाने को प्राप्त करने पाए जो कि आपने हमारे लिए ठहरा करके रखा। लोगों के से बोले और बातचीत करें और होने पाए प्रभु ये वचन लोगों के जीवन में घर को करने पाए और हम आपके साथ में वफादारी के साथ में चलने पाए, आपको जाने, आपको पहचाने और आपकी आराधना करते हुए आपके पीछे पूरी वफादारी के साथ में चलने पाए। देखिए संभाले प्रभु हमको और हमारे परिवार के ऊपर, आपके अनुग्रह की दृष्टि बनी रहे। कलीसिया के एक एक जन के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो भी लोगों की नीड है, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, शारीरिक या आत्मिक आवश्यकता, प्रभु आपके आसमानी भंडार के द्वारा पूरी रहने पाए। देखिए संभाले यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिएगा, ग्रहण कीजिएगा। आमेन एंड आमेन। हालेलुया। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, रब आपकी मोहब्बत, पाकुरु की रिफाकत, शराकत में से हर एक के साथ में अब से लेके हमेशा तक होती रहे। आमेन एंड आमेन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू माय डियर फ्रेंड्स। प्रभु आपको आशीष दें। जय मसीह की।